राय जी के कहने से हरकृष्ण साहब जी महाराज को दिल्ली सद्या कि राजा जय सिंह की ड्यूटी लाई औरंगजेब ने कि तू उन्होंने लैके आना तो बड़े सत्कार के नाल लैके आना। तो गुरु हरकृष्ण साहब जी ने आके राजा जय सिंह पहुँचया तो जय सिंह ने अपने वजीर को भेजा कि तू बहुत सारे नजराने लैके गुरुआ पीर को जदों कोई जाइए खाली हाथ ना जाइए। नीति कहती है गुरु वैद और ज्योतिषी इनके पास जो जाए खाली हाथ ना जाइए फड़ दिए फड़ पाए। औरंगजेब ने कहा बहुत ज्यादा पदार्थ लैके जाना सत्कार के नाल उन्होंने लैके आना। तो राजा जय सिंह का वजीर आया तो उन्हें बहुत सारे पदार्थ लिया के बड़ा कुछ लिया के गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज को भेंट किया बेनती की महाराज औरंगजेब को दर्शन दे। कहते सानू सतगुरां का हुक्म है गुरु हर राय साहब का हुक्म है ना औरंगजेब को दर्शन देने हैं तो ना वो करने हैं। उन्हें कहा महाराज मेरी जिम्मेवारी रही औरंगजेब मेरे कहे तो बिना तुहाडे दर्शन नहीं कर आवेगा। साहबां ने संगत ने विचार की सेवादारा ने क्यों संगत में भी सियाने पुरश होंगे उन्होंने विचार करनी पैंदी गुरुआं पीरां ने भी उन्होंने विचार की संगत ने कहा महाराज जरूर जाना चाहिए। उन्हें कहा महाराज दिल्ली की संगत में उतार जाओ नहीं औरंगजेब को मिलना ना सी साड़ी बेनती है। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज तैयारी की छोटा जिहा शरीर 8 साल का बच्चा किन्ना खुंदा उदों पौने 8 साल की उम्र सी जाके दिल्ली शरीर छड़ दिता छोटी जी छड़ी सी कोल छोटे जिहा बच्चे को जिदा होंदी छोटी जी छड़ी रखते सी। ते जदों तुरन लगे बड़ी दुनिया बड़े संगत दे बंदे नाल तुरे तुरद्या तुरद्या अंबाले तक पहुंचे आ संगत बड़ी इकट्ठी हो गई। पता चलता चले गया गुरु हरकृष्ण साहब महाराज गुरु नानक की गद्दी के 8वें वारस दुनिया नूं तारदे तारदे दिल्ली नूं जा रहे आ। रस्ते में दुनिया जिन्हां जिन्हां नूं पता लग्या पिंडां नगरां तों दौड़ के लाइट हो गए पतंगियां नूं सद्दणा नहीं पैंदा पतंगे अपने आ जाते अपने आप ही आ जाते। पावर होवे कमाइया हो दुनिया कट्ठी नहीं करनी पैंदी अपने आप ही आ जाती है। दुनिया किसी नूं प्यास होवे ते नलके नूं आप ही लभ लैंदा होवे सरोवर नूं लभ लैंदा प्यास लगी होवे इहनूं प्यास ना होवे भावें जूस दे गलास मोहरे रख दिओ कोई कदर नहीं करदा। ते साहब जिन्हां जिन्हां नूं पता लग्या दुनिया मत्थे टेकदी है कोई नंगण नहीं दिंदा गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज दिल्ली नूं जा रहे है। किन्ने दिन लग के अंबाले तक पहुँचदे राजा जय सिंह दे वजीर ने कहा महाराज बड़ा लम्मा पैंडा है जे इसे तरह करदे महीने बीत जाणगे महाराज आपां छेती चलीए। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जिथे अज पजोखरा साहब गुरद्वारा है उत्थे 8वें पातशाह सारी संगत बैठी नूं छड्ड के उठ के बाहर नूं गए ते एक रेते की ढेरी जिदा बच्चे छोटे छोटे कट्ठी करते इदा 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 खेलण वास्ते उन्होंने एक मिट्टी का ढेर रेते का ढेर कट्ठा कर दिता। कट्ठा करके 8वें पातशाह जी कहण लगे जिहड़ी संगत पिछे आ रही है उन्होंने हुक्म है कि जेड़ा भी कोई आवे अगे ना आवे इस ढेरी से पदार्थ रख के मत्था टेक दे मेरे दर्शनों का फल मिल जूगा मेरे दर्शनों का फल मिल जूगा। इतों मत्था टेक के पदार्थ रख के पिछे मुड़ जाण नाल ना आउण संगतां उत्थे पदार्थ रख रख मत्था टेकण लग पईआं सतगुरां का बचन मन लिया। बचन मनण वाले सता है बचन मनण वाले गुरसिख है जिन्होंने बचन की कमाई की जे को बचन कमावे संतन कर सिख भी उही पूरा होया जिहड़ा महात्मा लोग भी बंदगी वाले उन्होंने महानता मिली जिन्होंने वचन मने। जदों 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज अंदर बैठे सी बड़ा लाओ लश्कर सी बड़े दुनिया कट्ठी होके नाल तुरी जाती है। तो एक ब्राह्मण ने बाहर पुछया बड़ी दुनिया ये कौन है एक सिख नूं पुछया ये कौन है वो सिख बाहर खड़ा सी उन्हें सिख ने कहा ये गुरु नानक साहब की गद्दी ते 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज दिल्ली नूं जा रहे हैं संगतां नूं तार
गुरु का शरीर पवित्र है, जिहड़ा दर्शन कर लैंदा अखां पवित्र हो जांदियां, मत्था पैरां ते रख लैंदा सिर पवित्र हो जांदा है। पास दे नाल लोहा छूण दी देर है, पास लोहे नूं सोना कर दिंदा, उहदी कीमत वधा दिंदा। एक चंदन का बूटा 52 कोंगल का उच्चा होंदा है, बहुता उहदी उचाई नहीं होंदी, उहदे नेड़े नेड़े जदों बूटे स्पर्श नहीं करदे, नेड़े नेड़े रहिंदे, उहनां 'च चंदन की खुशबू आउण लग जांदी है। टाली है, किकर है, होर डेकां वगैरह, इन्हां 'च सुगंधी आ जांदी है। आम तौर पर असली चंदन का गुण नहीं उन्हां विच आउंदा, चंदन की सुगंधी आ जाती। चंदन विच असली गुण है, ठंडा बहुत होंदा है, तपदे तेल दे कड़ाहे विच असली चंदन की चुटकी पा दिओ, खोलण तों हट जाता, इन्ना ठंडा होंदा है। किसी पहलवान नूं जेठ महीने दे विच चंदन दे तेल का एक तोला दे दिए तो इहनूं गठिया हो जूगा, इन्ना ठंडा तेल है। उहदे जिहड़े आले दुआले लकड़ियां टालियां वगैरह सन, उहनां दी सुगंधी तां आ गई। जिहड़े महात्मा लोकां दे चंदन पाउंदे उह असली नहीं हुंदा, जिन्हां 'च सुगंधी आ जाती नेड़े नेड़े दरख्तां दी, उह फिर किलवां दे पा तोलियां दे करामां दे पा के तकड़ियां ते चढ़ के तुरदा, सिर्फ संगत दी फर्क होया उहनूं, नेड़े आउण नाल ही उह दरख्त पूजण योग हो गया, उहनां दी पूजा हो गई। उहनां विच गुण तां कोई ना सी, सी उह लकड़ी चलो गुण टालियां विच गुण तां है, पर जो गुण उहनां दा नेड़े जाके बणिया उह कीमत किते वी जाके बण नहीं सी सकदी, भावें राजे महाराजे दे दरवाजा लग जांदा, उह इन्ना महंगा थोड़ा बिकणा सी। एक नेड़े महात्मा पुरशां दे नेड़े जाण दे नाल ही, नेड़े बहण दे नाल ही इन्ना फर्क चंदन बूटियां नूं पा दिंदा, ते जिहड़े मनुख ने बंदगी वाले पुरखां दे नेड़े रहण वाले आ, क्यों नहीं फर्क पवेगा, उहदी आवो हवा उस वेले आले दुआले दे परमाणु ही शुद्ध हो जांदे। नाम जपण वाले पुरखां दे शरीरां विच पवित्रता ही आ जांदी है, जिथे पैंदे आ दुनिया उत्थे मत्थे टेकण लग जांदी आ। अज भी पंजाब की धरती से जाके देखो, जिथे गुरु नानक ने पैर रखे आ, जिथे दसवें पातशाह ने गुरु पैर रखे आ, धरती में दुनिया मत्थे टेकी जाती है, पवित्र हो गई, पवित्र शरीर ने पैर रखे, पवित्र हो गए, हो धरतियां पवित्र हो गई। कि उन्हें पूछा कौन है, उन्हें कहा अठवें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज दुनिया उतारन वास्ते दिल्ली वाले पासे नूं जा रहे हैं, वो जाते हैं। उन्हें उस सिख नाल गल की दुआपर विच भगवान कृष्ण होए आ, उन्होंने गीता लिखी है, गीता दे श्लोकां दे अर्थ करके सुना देंगे। इन्होंने नाम बड़ा बड़ा रखिया हरी कृष्ण, वह तो कल्ला ही कृष्ण भगवान सी, इन्होंने हरी कृष्ण रख लिया, नाम तो बड़ा बड़ा। और लाल चंद विद्वान से, विद्वान से पढ़िया लिखिया से, देखो गुण किसी विच भी होना कीमत रखता, किसी मनुख विच भी गुण कोई होवे कीमत रखता, किसी को लकड़ी का गुण है कीमत है, किसी को लोहे का गुण है कीमत है, किसी पुरख को विद्या है गुण है कीमत है, किसी बंदे दे अंदर ज्योतिष विद्या का गुण है उहदे कोल गुण है, किसी को बाणी पढ़न का चंगा पाठी है, लोग उहनूं खड़े होकर सुणदे है। कई चंगे पाठी ऐसे है कि बाणी पढ़ते तुरे जाते बंदियां नूं खड़े कर देंगे, सुनने वास्ते मजबूर कर देंगे, ते कई पढ़ते उठन नूं जाके कहे उठ के चलिए, मन खड़ता नहीं है, उहदी जिहड़ी आवाज़ है कैच नहीं करती, उहदे ते असर नहीं करती, उहदे विच कोई कमी हुंदी है, वह माड़ा मोटा पोका ही ज्ञान है, वह फिर लोगों नूं रोकणगा ते की जिहड़े मूहरे बैठे उहनां नूं भी उठाल दिंदा, उहदा बोल नहीं। वह इसे तरह जदों भले पुरश बंदगी वाले पुरशां की कमाई वाले पुरशां की गल होंगी, उन्होंने नेड़े रहने वाले पुरखों में भी गुण आ जाते हैं। जब दरख्तों में गुण आ गए, बंदा तो एक फिर भी बंदा है, ये भी बचन सुन के प्रभावित हो जाता, भलिया पुरशां के बचन सुन के दुनिया भले पासे तुर पैंदी, साकतां के बचन सुन के साकत पासे पासे तुर पूरा। हरेक बंदे ने अपना ज्ञान करना, जिहड़ा हाकी खेलता, फुटबॉल खेलता, कोई क्रिकेट खेलता, उन्हें अपना ज्ञान दसना लोगों, एक बंदे को संसारी विद्या उन्हें अपना ज्ञान दे देना, जिन्हों को धार्मिक विद्या वो धार्मिक विद्या का ज्ञान लोगों देंगे, उन्हें को गुण है, गुण की कदर है। लाल चंद कह लग्या भी इन्हों पुछो
भगवान कृष्ण जी ने 18 अध्याय गीता दे कुरुक्षेत्र दी जंग विच अर्जुन नूं उपदेश करके लिखे सन उन्हां दे श्लोकां दे इह अर्थ कर देणगे। ये भुलेखा है, थले हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, चाहे किसी यूनिवर्सिटी विच बंदा पढ़े, अखीर उत्थे पढ़ाई कोई है उपर, किसी भी स्कूल विच पढ़ के आ जाओ, सर्टिफिकेट उही है उपरली वास्ते। तो एम ए पढ़िया, किन्ना पढ़िया, एम ए जां बी ए पढ़िया, ये थोड़ा पुछना किसी ने कित्थों पढ़िया है, उहदे कोल उपर सर्टिफिकेट है, उपर इको ही है। मुसलमान, हिंदू, कोई सिख यूनिवर्सिटी विच पढ़िया, उहनूं पुछना नहीं किहड़ी जात है तेरी, कौन है तू, किन्नियां पढ़िया, मैं नहीं पढ़िया, किहड़े स्कूल विच पढ़िया, फलाने थां पढ़िया, उहदी इको ही उपर अवस्था इको ही हो जाती है। उन्हें लाल चंद ने जो एक गल कही तो सिख वे पुछण गया, सिख अंदर पुछण गया तो लाल चंद बाहर बह गया। सवाल का जवाब उड़ीकना सी, किसी नूं भेजिए सुनेहा दे के मुड़ के, सिख ने कहा भी मैनू पता नहीं, मैनू पुछ आउण दे। हुक्म दे अंदर जिहड़े सिख खड़े आ, जिहड़े गुरु का वचन मनण वाले आ, वो अपने आप हमे नाल हौमे की गल नहीं करते, गुरु ते गल छड्डदे, मैनू पता कर लैण दे। सिख पता करन गया, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज सगासन ते बैठे सन, संगतां बैठियां सन, वो सिख ने जाके गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के कन्न च गल कही, महाराज एक बार ब्राह्मण है, वो कहिंदा भी भगवान कृष्ण साहब जी ने, कृष्ण भगवान जी ने एक गीता उच्चारण की है संसार के लोगों के भले वास्ते, उहदे श्लोकां दे अर्थ तुसीं कर दोगे? गुरु हरकृष्ण साहब महाराज कहिंदे कर देवांगे, कर दे। सिख बाहर गया तो गुरु हरकृष्ण साहब महाराज संगत में वचन करके कह लगे, विद्वान होना चंगी गल है, पंडित विद्वान है, विद्वान होना चंगी गल है, पर यह बीमार है, इलाज करना। जब संसार में पहलवानों बीमारी लग सकती है तो विद्वानों भी लग जाती है, अज विद्वानों ज़्यादा लगी है, जो संत की निंदा करे वो ज़्यादा कथा सुनते हैं, इन्हों बीमारी लग जाती है, तो जोड़े ज़्यादा सोल बूटे होंगे इन्हों बीमारियां ज़्यादा लगदियाँ, जो सोल सोल बच्चे होंगे इन्हों भी बीमारियां ज़्यादा लगदियाँ, जोड़े इतने झुगियां झगियां उन्होंने बीमारी नहीं लगती। वो कहें विद्वान है अठवें पातशाह, कहें इलाज करना पौ, अनक तपस्या करे हंकार, नरक सुरग फिर फिर अवतार। तपस्या करके हंकार हो जाए तो भी नरकों में घूमता फिरूगा। अनक जतन कर आत्मनि दरवै हर दरगे को कैसे गवे, आपस को जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवे। जेड़ा कहे मैं बहुत चंगी गल करदा, पंजवें पातशाह कहें भलाई वो नेड़े तेड़े भी नहीं है। सर्व की रेन जाका मन हुए को नानक पाकी निर्मल, तो सारिया तो नीवा हो जाए उहदा ज्ञान कहिंदे निर्मल है। सारियों तो नीवा होना बड़ी औखी गल है, ब्रह्म ज्ञानी नीवा हुंदा, बाकी दुनिया च बंदा कोई नीवा हुंदा ही नहीं है। जिहड़ा नीवा हो गया रब बन गया। पानी नूं कहिंदा कोई तू नीवे थे नूं चल जा, पानी का सुभाव है, जिथे निवाण होनी पानी ने उत्थे जाके खड़ जाना। परमेश्वर का सुभाव है कि जिहड़ा बंदा सारियों तो नीवा अपनी होमे छड्ड गया, सर्ब की रेन जाका मन होए। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने भी पवित्र गल लिखी है, कहिंदे जे तो प्रेम खेलण का चाओ, सिर तर तली कली मोरी आओ। जिहड़े सिर ने खड़ा होना सी कहिंदे पहले इहनूं वढ दईए, हंकार ना आ जावे, सारे गल्लां सिर दे उपर ही आ। अखां दे विच अखां हंकार च रंग बदल जांदा, मूँह दा बोल बदल जांदा, कन्नां नाल सिफत सुननी चाहुंदा, सारा कुछ उत्ते ही है। दसवें पातशाह ने कहा भी सिर तर तली गली मोरी आओ, कहिंदे मेरे सिर रह के ना आयो मेरे दरबार के अंदर, जे मेरे नाल प्रेम करना तो आ गल्लां अंदरों कढ के आ। ते साहिब कहण लगे विद्वान है, विद्वान होना चंगी गल है, बीमार है, बीमार का इलाज करने पे। उन्हें आके सिख ने कहा भी महाराज कहिंदे कर दे मंगे। इन्हें लाल चंद ने कहा कोई बड़ेरी उम्र का गुरु होना जी, उहदे मगर इन्नी दुनिया लगी है, यार अंदर जाके देखिया उन्हें छोटा जिहा बच्चा, उन्हें कहा तो बच्चा ही आ, छोटा जिहा ही है, निका जिहा बच्चा, इहनूं की ज्ञान होना। लाल चंद ने जाके अंदर मत्था नहीं टेकिया, शरदा तो बिना मत्था बंदे का निभदा नहीं है,
ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਿਭ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੂੰਗੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਸੱਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਗੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾ ਕੋਈ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੰਦਾ ਲਿਆ। ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੰਦਾ ਲਿਆ। ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਨ ਕੁਛ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੜੇ, ਪਾਣੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ, ਘੜੇ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘੜਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੋ ਦੋ ਘੜੇ ਰੱਖ ਜਾਣੇ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਬੋਲਾ, ਬੋਲਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਗਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੇ, ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਆ ਬਿਲਪੈਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਦ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਲਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਲਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁੰਗਾ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਬੋਲਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਲਾ, ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤਰ ਪਵਾਓ ਇਹਦੇ, ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਵਧੀਆ ਪਵਾਓ। ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੱਜੂ, ਸੱਜੂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ ਵਿਸ਼ਾ, ਕੋ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਸੀ, 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੀ ਛੜੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਛੜੀ ਸੱਜੂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਜੂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੋ ਲਾਲ ਚੰਦ ਬਚਨ ਕਰੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਅਰਥ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਰਥ ਸੁਣੇ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਮਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਟੇਕੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਟੇਕ ਦਿਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਟੇਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਟੇਕੋ। ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਟੇਕਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਚਾਹੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋ ਬਾਲ ਵਾਲੇ,
इन्हां नूं विश्व दे अंदर सिख पंथ ने गुरु नानक दा रूप मन्निया। ओह इस गल नूं बहुत माड़ा समझदे सी जिहड़े सिख धर्म वाले लोग पिंडां च ग्राही करदे फिरदे, शहरां बाहरलियां मुल्कां च जाके ग्राही करदे फिरदे, बहुत माड़ा मन्नदे सी। गुरु ग्रंथ साहिब विच वचन है, गुरपीर सदाए मंगण जाए, उनके मूल न लगिए पाए, उन्हां दे पैरां नूं मत्था ना टेके। जिन्हां नूं मत्था टेकण वास्ते हदायत कीती है सतगुरां ने, ते किन्हां नूं मत्था टेकणा, गुरसिखां की हर तूड दे हम पापी पी कत पाहे। प्रीत साहब ने कहा, दिलों मुहब्बत जिन सही सचिया, जिन मन पूर मुख पुर से कांडे कचिया, जिन्हें पछाता सच चुम्मा पैर मु, मुसलमान मत्था नहीं टेकते किसी नूं, पर इह उहनां दी इस्लाम धर्म की बाणी है। उन्होंने कहा, जिन्होंने सच की पहचान की उन्होंने पैरों को चूमदा मैं, मुसलमान नहीं मत्था टेकते किसी भी नहीं टेकते, पर यह इस्लाम मत की बाणी है। किनू मत्था टेकना? जिन्होंने परमेश्वर का बंदगी की, नाम जपिया, उन्होंने सिर के मत्थे अपने आप ही झुक गए, दुनिया के झुकाने नहीं पैंदे, लोग आपे आप ही झुक जाते हैं। वार्तालाप समाप्त हो गई। लाल चंद ने मत्था टेकिया गुरु हरकृष्ण साहब को, सारी संगत के सामने। तो छजू ने बेनती की, गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज को, महाराज मैनू तो मत नहीं सी, सोच ही नहीं सी, जन्म तो लैके मैं बोलिया नहीं सी, पता नहीं किहड़े जन्म का कर्म सी मेरा, मैं महाराज हुण तुहाडे चरणां विच मैं किसी तरीके भी पहुँच गया, मैं पहुँच गया। तो महाराज जिहड़ी दात तुसीं मैनू दित्ती है ना, ये दात दुनिया की कोई दूजी ताकत नहीं दे सकती, भावें साइंस तरक्की कर गई, इत्थों बैठे गल अमरीका विच बंदे दे कन्न विच बजदी है। ते महाराज ऐ कोई दुनिया की ताकत ये दात नहीं दे सकती, उन्हों ज्ञान दे देना, चलो कन्न तां बोलता भावें डाक्टर कोई इलाज भी कर दू, अंदर जिहड़ा तत्त ज्ञान है वह तो नहीं दे सकता डाक्टर, कोई बहुत बड़ा साइंस तरक्की कर जाए, कोई किसी को जबान दे दे जा कन तो सुन ला दे, कोई बड़ी गल नहीं ला सकता, साइंस तरक्की कर गई, पर तत्त ज्ञान अंदरों जिहड़ा देना हरेक बंदा नहीं दे सकता, परमेश्वर को बिना नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, महाराज तो मेरा तो कोई पिछला ही कर्म सी, अपनी कमाई होंगी है मनुखां की, ऐ तुसी बैठे हो, जिन्ने सवास थोड़े हुण बीत जाने लेखे बच आए, इस वास सकले या रब की गल सुनीए तो जा सुना दीजिए। पंजवें पातशाह का वचन पढ़ो, कहिंदे बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, जा गावे जा सुने, यह कीमत है। ये अगले जन्म में तुहानू प्राप्त होना है, इहदा जिहड़ा हुण फल है अगले जन्म में प्राप्त होगा। क्या क्योंकि कबीर कमाई अपनी कभी निष्फल ना जाए, चारे कुंडा घूम के फिर भी मिलेगी आए, अपनी कमाई की जाती नहीं। इस वास जिन्हें तुहाडे बीत गए चिदर गुप्ता की मूवी तुहाडी वधिया बन जानी, धर्मराज देखूगा किसी धार्मिक जगह पर बैठे है, उन्हें यह तो नहीं देखना इन्हें की ज्ञान लिया या नहीं लिया, भावें धक्के नाल ही बह जाओ, उन्हें मूवी देख लैनी वधिया जगह पर गुरु ग्रंथ साहिब की हाजिरी में ही बैठा और शांत रूप में बैठा। तो छजू ने बेनती की, महाराज हुण मैं मुड़ के फिर उस तरह का हो जूंगा, महाराज मैं पहला तो बहुत बुरी बुरी हालत सी, हुण मैं मुड़ के उस तरह का हो जूंगा। एक सैकेंड के अंदर बंदे की जबान दे देनी, तो कन्न दे देनी, एक सैकेंड का एक काम से छोटी सर पर रखी है, करंट प्रवेश कर गया उस वेले सारा कुछ बोलन लग गया। अठवें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज कहिंदे, गुरु नानक का घर है दे के पछतावा नहीं करदा, दे के दुनिया पछतावा कर जाती है। कई बार आप किसी की मदद करते कि जा एवें ही कर हो गई, बंदा तो चंगा नहीं सी, पछतावा करती है दुनिया करती है। कई बार धियां पुत्रां नूं जायदाद दे के पिता पछतावा करता, मैनू पुछदे नहीं है, मैं दे दी इन्हां नूं सारा कुछ दे दिता, मैनू पुछदे नहीं है, पछतावा करता। जिन्हां दे अंदर गुरु की मत है पछतावा नहीं करती। साहब कहण लगे, नहीं ये जिहड़ा गुरु नानक का घर है दित्तियां दातां नूं वापस नहीं लैंदा किसे तों,
तू हुण दुनिया नूं तार तेरे अंदर तत् ज्ञान पैदा हो गया, तेरे अंदर ज्ञान का खजाना प्रगट हो गया, तू दुनिया नूं तार। छज्जू ने फिर बड़ी दुनिया तारी, गुरु की मत ग्रहण कर गया। गुरु की मत नूं ग्रहण करके उस छज्जू के परिवार के पिछों भाई हिम्मत सिंह जी पंजां प्यारियां तों जिहड़े हुए है भाई छज्जू की वंश विच पैदा। गुरु की मत को ग्रहण करना, यह नहीं कि गुरु नानक सांझे गुरु हो सारे पीर महापुरखों के, हिंदू धर्म के, मुसलमान धर्म के, सिख धर्म के। गुरु नानक साहब ने किसी को नहीं कहा तू मेरा सिख बन, मुसलमानों समत दी मक्के जाके इस तरीके ना चलो तुम ठीक हो, हिंदुओं ने समत दी जगन्नाथपुरी जाके तुम ठीक हो, इस तरीके ना चलो, सिखा नूं कहा तुसीं इस तरीके नाल करो।